हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है साहिल मेहता और मैं आज आपको एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक ट्रिकी टेस्ट नेम गेम के बारे में, तो आप देख सकते हैं पास अभी भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर आज हम दूसरे टॉपिक पे हैं। उसका नाम है मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियंस। यह मार्वल की ऐसी एक लौती गेम है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा हीरोज हैं। तो आपको इसमें से रोज़ एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक 4-स्टार, एक 4 घंटे में एक क्रिस्टल मिलेगा और एक 1 डे में मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको लड़ना पड़ता है वेनम के साथ। आपके साथ होगा कैप्टन अमेरिका, दोनों 3-स्टार के होंगे। आपको बताया जाएगा कैसे लड़ना होता है। और एक और बात, आपको स्टार्टिंग में 2 क्रिस्टल्स मिलेंगे, 2 फ्री बिगनर कैस्टल्स। तो उसमें से आपको एक चूज करना है, दोनों ही एक लेते हैं तो दूसरा फ्री मिलता है, और एक जो रहता है वो 30 यूनिट्स का होता है और आपको 30 यूनिट्स गिफ्ट में मिलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, ये एक वेरियस क्रिस्टल जो मैंने अभी अभी खेल के जीता है। चलिए देखते हैं अभी मुझे क्या मिलता है। कुछ अच्छा मिल जाए तो अच्छा होता है। अलाइंस चिप्स, बैटल चिप्स इंटू 50। मुझे 50 बैटल चिप्स मिली है। मैं एक क्रिस्टल खोल सकता हूँ। मैंने ये एक क्रिस्टल खरीदा और कुछ ऑफर आया है शायद, नहीं, एक क्रिस्टल खरीदा और मैं खोलना चाहता हूँ इसे। ये फुल सरप्राइज से भरा होता है, आपको नहीं पता क्या क्या इंक्लूडेड है। अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको पुलिस सर्विस मिल जाए। तो मेरे पास ये पहले से ही था, मेरे पास ऐसे 2 लाख है, अभी कितने मुझे नहीं पता, पर मैं इसे खरीद सकता हूँ। क्या बात है। एक और बात, ये सस्पेंस से भरा पड़ा नहीं है, कुछ तो अच्छा है। इसमें आपको ह्यूस्टन्स प्लॉन्स मिलेगा, 2-स्टार, 3-स्टार और 4-स्टार। वो ये मेरे पास पहले से ही है, मैं जब भी ये खेलता हूँ मुझे यही मिलता है। आप बोले मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ और मैं आपको बताऊँ मेरे एक हीरो का मुझे रैंक करना है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ मेरे 3-स्टार वैनम को हम लोग रैंक अप करने के लिए क्या करें। देखिए, इतना है कि हमारे पास ये मिसिंग है और ये है। ठीक है, चलो हम लोग जीतने जाते हैं। ठीक है, अगर हम फाइट में हैं और ये इवेंट्स क्वेस्ट दिख रहे हैं और आज लकी है मेरे पास कॉमिक्स कॉन्फ्लिक्ट का डेली क्वेस्ट आया है। मैं मीडियम चूज करूँगा और ये है मेरी टीम, मुझे इसको एडिट करना, तो मैं एडिट टीम में जाऊँ। मैं मेरी टीम चेंज करूँगा। मेरे टॉप है हाइपेरियन, डेडेवल और वेनम, पर मैं इसमें से विजन को निकालूँगा, हाइपेरियन डालूँगा और डेडेवल को डालूँगा और हाउवर्ड द डक को निकालूंगा। नहीं, एक गलती हो गई। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर सकता हूँ। नहीं, मुझे एक और चेंज करना पड़ेगा, मुझे डालना होगा घमोरा को अंदर। तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट टीम कर लेता हूँ। तो ज़रा हम देखें, हमारा टोटल बहुत कुछ है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 लेन मिल रहा है, एक 4-स्टार और एक 3-स्टार। मैं 3-स्टार चूज करूँगा क्योंकि 4-स्टार जाने के लिए मेरे पास एक जादुई चैंपियन नहीं है मेरे टीम में। तो पहला है हमारे सामने दी ग्रूट। मैं चूज करूँगा हाइपेरियन, नहीं, आई थिंक सो वेनम वर्सेस ग्रूट अच्छा रहेगा, किसी का भी हाई बोनस नहीं रहेगा। तो चलिए,
और मैच शुरू होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, मैं ये गेम में बहुत हाई प्रोसेस्ड हूँ प्रोग्राम, तो आप देख सकते हो आई मीन था पर अब 9200 इसलिए आया है, ये तो पहले ही नहीं था। आपको मैं बोल दूँ, फर्स्ट वन स्टार, इसमें सिक्स स्टार्स के चैंपियन जाते हैं। वन स्टार में फर्स्ट अटैक ही आता है, अगर आप उसको फुल्ली रैंक अप करते हो तो अगर आप सेकंड स्टार में सिर्फ सेकंड अटैक खुलता है, और 3, 4, 5 and 6 स्टार्स में आपको तीनों अटैक खुले मिल जाएंगे। पर मेरे पास अभी मेरे पास उसका थर्ड अटैक है। अगर अभी आपका 80% है तो आप वैनम को लेके एक और बार मेरे 83 उसका 0 मैं जीत गया। आपको पता तो ये बहुत ही अच्छी गेम है। आज मैं ये आपके सामने पूरा क्वेस्ट ख़त्म करके बताऊंगा। मैं ट्राई करता हूँ कि ये भी मेरे साथ जल्दी हो जाए। मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। इसके अंदर अभी 5 ओपोनेंट्स हैं। मैं अभी हाइपेरियन को चूज़ करूँगा जिससे मेरा मैच जल्दी ख़त्म होगा। मेरे हाइपेरियन में एक अच्छी बात है कि वो अपना पावर गेन करता है। पावर गेन से होता है कि उसका जो ये एबिलिटी है, ये देखिए आपको इधर एबिलिटीज लिखे हुए दिखाई देंगे। फ्यूरी, 2 बार फ्यूरी, ये निक फ्यूरी नहीं है, प्लीज इसे निक फ्यूरी मत समझिए। तो ठीक है, ये फिर से पावर गेन, यानी इसका जो ये होगा वो बढ़ता जा रहा है। ये है मेरे हाइपेरियन का फ्लोट, अपना भी अभी वैनम का हाइपेरियन का फ्लोट। और सेकेंड टाइम मैं बताऊंगा आपको, सेकेंड टाइम मैं आपको बताऊंगा डेड डेविल का थर्ड अटैक। ये डेड डेविल मेरे पास क्लासिक है, तो आपको ये मैं मैच कैसे जीत गया मेरे सामने। देखिए मेरे कंप्यूटर ने भी मुझे डेड डेविल ही सजेस्ट किया है, तो मैं भी वही लूँगा। और आपको बता दूँ, मेरा पहला चैम्पियन था स्पाइडरमैन, दूसरा था वुल्वरीन, और मेरा पहला 3 स्टार था अल्ट्रॉन। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में विलन था। मेरा पहला 4 स्टार था डेड डेविल जिससे मैं अभी खेल रहा हूँ, दूसरा था हाइपेरियन, चौथा था मेरा वेनम। पर मेरा हाइपेरियन सबसे टॉप पे रहा है अब तक, 3 4 स्टार का लेवल 10 है और मेरा हाइपेरियन अभी टॉप पे है। शायद से मैं डेड डेविल को और ट्रेनिंग चाहिए, आई मीन उसको और लेवल अप करना चाहिए। तो आप शायद मैंने सोच रही होगी कि ये सेकेंड अटैक क्यों नहीं यूज़ करा, अगर मैं थर्ड अटैक यूज़ करता तो वो प्लेयर एक ही झटके में ख़त्म हो। आपको देखना है, देखिए आप अभी भी देख सकते हैं कि उसका 0% है। तो ये गेम की ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, तो इसको 5 में से 5 हुआ। आप इस पर कितना देंगे? वो अच्छा हुआ, अच्छे रिवॉर्ड्स मिले हैं मुझे। और अभी भी मेरे पास है 2 चैंपियंस के सामने मुझे लड़ना है। यस, मेरा लेवल अप हुआ है, तो मेरे लेवल अप, थैंक यू। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब अभी उनका लगेगा।
लगा रखी जाए। मैं आपको ज़्यादा नहीं तड़ पाना चाहता, इसलिए मैं हाइपेरियन का यूज़ करके दोनों को जिता दूँगा, आई मीन मुझे जिता दूँगा और मेरे सामने रिवॉर्ड हो गए और मैं आपके सामने उसको अपग्रेड करूँगा। आप देख सकते हैं मुझे कुछ तो मिला है, इससे पता नहीं क्या होता है, पर ये मेरे को फर्स्ट टाइम है तो मैं ट्राई करती हूँ कि हो क्या रहा है। यानी एक ऑटो मशीन है ये, नाइस। कुछ भी करके आपको जिताती है और अगर आपका बैड लक होगा तो हराते भी है। इस पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, आई मीन नेवर। तो ओके, ये लोडिंग हो रहा है और हमें एक और राइफल मिल चुका है और हम आ चुके हैं बॉस पे। वो तो मुझे मेरा कोबो डेडेविल सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। नहीं, मैं मेरे हाइपेरियन को हील करना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ ये हीलिंग पर्सन बहुत ही अच्छा होता है। मेरे पास लेवल 5 का एक था, मैं अपने हाइपेरियन को हीलिंग कर रहा हूँ। हील करने से उसकी जो पावर रहती है यानी हेल्थ, वो बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितने आसानी से जीत सकता हूँ इसके सामने, ये मेरे लिए बहुत ही आसान हुआ। पर मैं अभी वापस कभी भी मैं ऑटो पे नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि वो जब भी ऑटो में रहते हैं वो बहुत कुछ डैमेज ले सकते हैं। इससे अच्छा मैं हाइपेरियन को कभी भी चोट नहीं पहुँचना चाहूँगा। बस मुझे ज़रूरत है एक 5-star और 6-star हीरो की। आप देख सकते हैं मैंने अपना एक भी सुपर अटैक से भी किया है, फर्स्ट और सेकंड नाइट पर। चलिए मुझे आज मुझे कैप्टिकल मिल चुका है और मैं मेरे वेनम का रैंक अप करने जा रहा हूँ। वो देखिए मुझे मिल रहा है सब, वाओ। तो मैं चैंपियंस को अपग्रेड करने जा रहा हूँ। मेरे इन्वेंटरी में कुछ है, क्या? I'm sorry, पर मैं रैंक अप नहीं कर सकता, ये चीटिंग हुआ है मेरे साथ, ऐसा कई बार होता है। पर मैं आपके सामने ये सेल करके बताऊंगा, तो आप देखिए दो साइंस क्रिस्टल है, मैं एक सेल करूँगा। ये अल्फा क्रिस्टल को कभी भी सेल नहीं कर सकता, तो मैं अपना रिक्वेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, उससे आपको डेली नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे ही बता दूँ।